हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम ओप्पो A76 में कुछ नया जानेंगे, कुछ न्यू सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है कि कभी कभी हमारे मोबाइल की बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है और हमारे घर में लाइट नहीं रहता है, और तो हमें इसकी बैटरी को कम कंज्यूम होने से बचाना है। या फिर हम नाइट के समय मोबाइल का यूज़ करते हैं और हमारी आँखों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम इसके इफ़ेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं और बैटरी को बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना होगा, और यहाँ पे देखिए अब डार्क मोड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें हम क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा मोबाइल डार्क मोड पर चला जाता है। तो अगर हम किसी भी ऐप का यूज़ करते हैं तो हमारा जो ऐप है वो डार्क मोड पे आता है और हमारी आँखों पे इससे कम इफ़ेक्ट पड़ता है और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। एक तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन के करके इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, और अगर यहाँ से यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आप देख सकते हैं, लाइट मोड का और डार्क मोड का। जैसे ही आप डार्क मोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल डार्क मोड पे चला जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क मोड सेटिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो स्टाइल, थ्री स्टाइल आएंगे, इन्हेंस्ड, मीडियम और जेंटल। इन्हेंस्ड में क्या होता है कि आपका मोबाइल ज़्यादा डार्क रहता है, मीडियम में कम डार्क में हो जाता है, जेंटल में और कम में हो जाता है। तो फिलहाल अभी हम इन्हेंस्ड में कर देते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ डार्क मोड फॉर थर्ड पार्टी ऐप्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अदर ऐप्स आएंगे। इन ऐप्स को आपको अगर डार्क मोड पे करना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनको इनेबल कर सकते हैं। और ये अदर ऐप्स वो होते हैं जो आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल्ड नहीं होते हैं, इनको अभी आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप यहाँ से इनको क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, तो आपका मोबाइल का आपका जो ये ऐप हैं वो क्या होंगे कि डार्क मोड पे चले जाएंगे। फिलहाल अभी हम बैक में जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ऑटो स्विच का ऑप्शन है जो अभी क्या है, अभी इनेबल है, ग्रीन कलर में इसका बटन है, ठीक है, मतलब ये चालू है। तो यहाँ पर क्या दिया है, स्विच टू लाइट मोड एट सनराइज, मतलब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सनसेट टू सनराइज, मतलब आपका मोबाइल सनसेट से लेके सनराइज तक क्या किस में रहेगा, डार्क मोड में रहेगा। और अगर आप इसे नहीं चूज़ करते हैं तो कस्टम के ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो लाइट मोड और डार्क मोड के दो ऑप्शन होंगे। यहाँ पर आपको टाइम सेट करना होगा, और आप यहाँ से भी टाइम के थ्रू अपने ये इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम सनसेट टू सनराइज़ का ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो इस तरह हमारा मोबाइल किस में चला जाएगा, डार्क मोड पे चला जाएगा, ठीक है। अगर इस मोड का यूज़ आप नाइट में करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल अभी हम बैक जाते हैं, और इस मोड को अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो सेटिंग में जाके अगर आप नहीं बंद करना चाहते हैं तो इसे फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से हम इसको बंद कर सकते हैं। तो इस तरह इस मोड का यूज़ करके आपके मोबाइल का बैटरी भी कम कंज्यूम होगी और आपकी आंखों पे इफ़ेक्ट भी कम पड़ेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, उसके लिए लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।